नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। आइए आपको अवगत कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 9 वर्षीय बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण करने वाले दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए अपहृत बच्चे की सकुशल बरामदगी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर की बाइट। कल रात को शेरकोट थाना के डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप पे एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें 9 वर्षीय बालक जिसका नाम अयान है, उसके मिसिंग होने की सूचना थी। कल शाम को लगभग 6 बजे से गायब था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसआई धीरज सिंह ने गांव वालों की मदद से इस बच्चे को एक खंडर नुमा मकान से बरामद किया। बच्चे के मुंह पर टेप लगा हुआ था, उसके हाथ पर बंधे हुए थे। बच्चे को सकुशल बरामद किया। उसे जब पूछताछ की तो बच्चे ने बताया उसके मोहल्ले के ही दो लोग थे, उनके नाम सुहेल और अब्दुल्ला हैं। उसको रात को पकड़ के ले गए थे, उसको कमरे में बंद कर रखा था और उसके घर वालों से फिरौती मांगने की प्लानिंग कर रहे थे। इन दोनों लड़कों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। सुहेल और अब्दुल्ला से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि ये बालक 9 वर्षीय बालक उनके मोहल्ले में ही रहता था और उसको किडनैपिंग करके उसके घर वालों से फिरौती मांगने की उनकी प्लानिंग थी। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है। इस पूरे प्रकरण में एसआई धीरज सिंह, जो कि शेरपुर थाना प्रभारी, और उनकी टीम ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस कार्य के लिए उनको मेरे द्वारा भ्रष्टाचार प्रदान किया जा रहा है। अग्रिम विवेचना में कार्रवाई।